हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग एमएस एक्सेल का असाइनमेंट 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग रैंक फंक्शन यूज करेंगे और मार्कशीट क्रिएशन के लिए जितने भी फंक्शंस फॉर्मूले यूज करते हैं वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ एक्सेल में हमने स्टूडेंट्स के नाम लिए हुए हैं कुछ, और हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीन सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे लिए हैं। हम और भी ले सकते थे लेकिन हमने सिर्फ तीन ही लिए हुए हैं, और इसका टोटल निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका, आप सम लगा करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एक एक वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर इसको हम डबल क्लिक कर देते थे, सारे रिकॉर्ड्स का कैलकुलेशन हो जाता था लेफ्ट में जो है। परसेंटेज निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक्सेल में इक्वल साइन लगाते हैं, जो नंबर होता है उसको सेलेक्ट करिए, जैसे कि E3। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करिएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से, और फिर डिवाइड करना है टोटल से, जैसे कि 300। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, नंबर जिस सेल में नंबर लिखा है वो, इसके बाद मल्टीप्लाई करके 100 और डिवाइड बाय टोटल, नंबर इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल, और एंटर कर दीजिएगा तो परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जीरो, अगर आपको सॉरी डेसिमल पॉइंट कम करने हैं तो यहाँ से रख सकते हैं 2 पॉइंट तक। तो हमने डिक्रीज कर दिया यहाँ डेसिमल पॉइंट्स, और अगेन वही डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का ये परसेंटेज निकाल देगा। डिवीजन के लिए हमें क्या करना होता है, नेस्टेड इफ यूज करना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कि हम परसेंटेज वाला सेल लेंगे और इसको बताएंगे अगर ये ग्रेटर देन इक्वल हो 75 के, तो कॉमा करके इसको दे दीजिएगा फर्स्ट, कॉमा करके हम फिर से इफ लगाते थे, और इफ में फिर वही कंडीशन देते थे कि F3 में जो वैल्यू परसेंटेज है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल हो किसके, 60 के, तो हम उसको रखेंगे सेकंड। ऐसे करके जो भी हम रेंज देना चाहें दे सकते हैं, कॉमा और फिर से इफ लगाते थे, और F3 में फिर से वही कंडीशन, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल हो 40 के तो हम क्या करेंगे, उसको थर्ड कर देंगे। डबल कोटेशन में हमें रिजल्ट देना है अपना, और इसके अलावा अगर 40 से बिलो जाता है तो हम उसको फेल कर देते हैं, तो कॉमा करके हम यहाँ फेल लिख देते हैं, और कोटेशन क्लोज, जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए थे वो हम क्लोज कर देंगे, और इसके बाद एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डिवीजन हमें बता देगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये सभी का डिवीजन कैलकुलेट कर देगा। अब देखिए जरा रैंक को समझने की कोशिश करते हैं, रैंक एक्चुअल में है क्या, जो हमारे पास ये सारे रेंज हैं, सारे परसेंटेज हैं सभी स्टूडेंट्स के, तो ये बताता है रैंक फंक्शन कि इस राजू का जो परसेंटेज है वो इन सभी में किस रैंक पे आता है, यानी इन सभी के बीच में कंपेयर करके रैंक इनको बताएगा ये। तो देखिए रैंक फंक्शन में इक्वल साइन लगा के हम जब रैंक लिखते हैं तो हमसे सबसे पहले नंबर पूछता है कि नंबर कहाँ है, तो हमने कहा ये वाले नंबर है, हमने सेल सेलेक्ट कर दिया, कॉमा करके अब इसको ये बताना है कि रेफरेंस, यानी किन के बीच में फाइंड आउट करना है कि इसकी जो रैंक निकलेगी वो, हमने कहा कि इन सभी के बीच में आप कंपेयर करके बताइए कि इन सब में इसकी रैंक क्या है। अब इसके अलावा डिसेंडिंग या असेंडिंग में रखना है तो ये तो ऑप्शनल है, हम चाहें तो ना भी दें, और एंटर करेंगे तो इसकी रैंक आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये जो रिजल्ट निकाल के देगा ये फिलहाल गलत है। यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया जैसे कि F3, वो तो ठीक है, इसने इसको उठा लिया, जैसे आप दूसरे पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ये F4 उठा रहा है, लेकिन जरा देखिए रेफरेंस इस बार ये क्या ले रहा है, पहले वाले में रेफरेंस इसने यहाँ से यहाँ तक लिया, लेकिन जैसे हम नीचे शिफ्ट हुए तो नीचे वाले एड्रेस को भी ये शिफ्ट करेगा, यानी ऊपर का एक छोड़ देगा और नीचे एक सेल एक्स्ट्रा ले लेगा। तो अब जो रैंक निकल करके आ रही है वो इस जीरो को भी वो इसमें रेंज में रख रहा है और उसके बाद बता रहा है, यानी हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इसका जो सिलेक्टेड रेंज है, सेल रेंज है, वो भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि ये शिफ्ट हो, हम हर बार चाहते हैं कि रेंज हमारी यही रहे, और इसी में हमें क्योंकि रैंक पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने दिया था रेंज तो इसको हम F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट बना देंगे, और F11 में भी रख के F4 करके एब्सोल्यूट बना देंगे, कि एड्रेस चेंज मत करो, हमें सारे जो रैंक निकालने हैं वो हमेशा इसी रेंज से निकालने हैं। अब इसके बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये सही से हमें निकाल करके देगा, ये देखिए। और अब देखिए हर बार रेंज वही ले रहा है, रेंज का जो एड्रेस है वो देखिए शिफ्ट नहीं हो रहा, उतनी ही रेंज हर एक सेल में ले रहा है। तो रैंक फंक्शन लगाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो रेंज देनी है वो हमेशा एब्सोल्यूट ही रखनी है, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप खुद से करिएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कई लेक्चर्स में, हम लोग ये कर भी चुके हैं, कैसे बोल्ड इटैलिक करना, कलर देना, सेल्स में वैल्यूज इनपुट करना, और ये छोटा सा असाइनमेंट है, इसको करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन कॉन्टैक्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।